इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है सो वी विल गो विद द डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स तो जब हम डी एस एम फाइव की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स में द फर्स्ट थिंग विच डी एस एम फाइव एक्सप्लेन एज दैट के जो ऑब्जेक्ट है जब वो बच्चा उसे स्टोर करेगा तो उसकी लिटल वैल्यू होगी टू द इंडिविजुअल अब लिटल वैल्यू टू द इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि वो कोई इतना एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होगी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि बच्चा अफोर्ड ना कर सकता हो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर एक पेंसिल को स्टील कर रहा है तो इट मे पॉसिबल कि उसके पास इतना इतने पैसे हों कि वो पेंसिल ख़ुद ख़रीद सकता है ठीक है या अगर वो एक टॉय को चोरी कर रहा है तो उसके पास इतने पैसे हों या उसके पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हों कि वो टॉय जो है वो ख़रीद सकते हों तो बेसिकली जो चीज़ वो स्टील करेगा उसकी लिटल वैल्यू होगी और वो बच्चा इजीली उसे अफोर्ड कर सकेगा यानी वो अफोर्ड करने का क्या मतलब है कि वो उसे पे करके भी ख़रीद सकता है उसको उसको चोरी करने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन जब वो उस चीज़ को स्टील कर लेगा चाहे वो उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है वो फिर भी उसे स्टील करेगा और स्टील करने के बाद वो करेगा क्या या तो वो उसको किसी को दे देगा या वो उसको फेंक देगा ठीक है यानी एक चीज़ पेंसिल या पेन चोरी किया बाहर निकले और उसको फेंक दिया ठीक है या एक टॉय चोरी किया उसको उठाया और अपने फ्रेंड को दे दिया ठीक है दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो है वो उस बच्चे का आपको नज़र आएगा लेकिन अगेन द पॉइंट इज ये जो अर्ज ऑफ स्टीलिंग है ये इजिस्टेबल होगी उस बच्चे के लिए देन ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो या तो होट कर लेते हैं होटडिंग का क्या मतलब होता है कि उन चीज़ों को अपने घर में रखना शुरू कर देते हैं एक बात तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि या तो वो उस चीज़ को फेंक देगा क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं होगी या वो किसी को दे देगा ठीक है द थर्ड थिंग विच कैन बी सीन इन दिस केसेस वो है होर्डिंग होर्डिंग का एलिमेंट क्या है कि आप ऐसी चीज़ों को इकट्ठा अपने पास करते जाओ जिनकी आपको ज़रूरत ना हो यानी वो पेंसिल चुरा के ला रहा है तो वो घर में ही रख रहा है फिर अगले दिन भी चुरा के लाया तो भी उसको घर में रख रहा है कि टॉय चुरा के लाया तो भी उसको घर रख रहा है तो दैट इज़ समथिंग कि वो होड होट कर रहा है या फिर वो सीक्रेटली जाकर उन्हीं लोगों को वापस कर देगा अब सीक्रेटली कैसे वापस करेगा मिसाल के तौर पर स्कूल गया है जिस बच्चे की उसने पेंसिल चुराई है वो चुप करके जाकर टेबल पर वापस रख देगा ठीक है या अगर किसी बच्चे की कोई कलर बुक चुराई है तो उसको जाकर वापस रख देगा ठीक है या किसी किसी शॉप से कोई चीज उठाई है तो अगले दिन जाके शॉप में चुपके से वापस रख देगा यानी अनाउंस करके वापस नहीं करेगा बल्कि सीक्रेटली जो है वो उसको रिटर्न करेगा ठीक है देन जो क्लेप्टोमिया के आमतौर पे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो अवेयर होते हैं कि ये जो एक्ट वो कर रही हैं वो बिल्कुल सेंसलेस है और रॉन्ग है सो so, बेसिकली जब हम ये बात कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है वो उनका सेंसलेस और रॉन्ग है दैट्स मीन कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो उन बच्चों के अंदर डेवलप हुई होंगी और दे न्यू दैट वॉट एक्ट दे आर डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग ठीक है तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा होगा प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि वो जो उनकी इम्पल्स है फॉर स्टीलिंग वो उसको रिजिस्ट नहीं कर पा रहे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल uh, अगर वो बच्चा एक कॉपी को चोरी कर रहा है तो उसे ये बात पता है कि ये गलत है मुझे ये नहीं करना चाहिए बट उसके अंदर जो अर्ज़ जा रही है कि मुझे इसे उठा लेना चाहिए मुझे इसको उठा लेना चाहिए दैट थाट इज़ सो इजिस्टेबल उसको वो चीज़ उठानी पड़ रही है ठीक है देन द इंडिविजुअली द इंडिविजुअल फ्रीकुनली फर्स ठीक है अब होता क्या है कि बच्चा जो है जब वो एक्ट कर लेता है उसके बाद या तो वो फियरफुल हो जाता है या वो इतना डिप्रेस और गिल्टी हो जाता है कि ये जो उसके अंदर रिमोर्स के गिल्ट के डिप्रेशन के और फियरफुलनेस का जो एक्ट आ रहा है सॉरी जो इमोशन आ रहा है ये बेसिकली उसको लीड कर रहा है किस चीज़ की तरफ टू वर्ड्स दाइक टू वर्ड्स द रिटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है तो इन uh, other words अगर हम ये कहें कि ये जो guilt और depression और fear है ये motivating factor बन जाते हैं उसके लिए कि वो वो चीज़ें जो है वो return करें ताकि uh, उसको जो है वो फिर at ease दोबारा से feel करना शुरू हो तो ये चीज़ें आपको बच्चे के अंदर absent नहीं मिलेंगी देन uh, जो क्लाइंट है वो इमिजिएटली फ़ौरी तौर पर अगर उसे ये पता चल जाए कि जहाँ से वो चीज़ चोरी कर रहा है वहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर है या वहाँ पे कोई और अथॉरिटी है जो उसको अकाउंट फॉर कर सकती है उस चीज़ के लिए तो वो क्या करेगा वो फ़ौरी तौर पर खुद को स्टॉप कर सकता है ठीक है तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर को देखेगा वो फौरी तौर के ऊपर जो है आ, उस एक्ट को खत्म बंद कर देगा ठीक है देन द स्टीलिंग इज़ डन विदाउट असिस्टेंट और कलाबरेशन विद अदर्स जब थेफ्ट होता है या जब स्टीलिंग होती है तो वो प्री प्लान्ड होती है ठीक है प्री प्लान्ड होती है उसके अंदर आपके पास असिस्टेंस भी होती है दो चार लोग भी आपके साथ होते हैं लेकिन जो क्लप्टो का एक्ट है वो हमेशा इंडिविजुअली होगा इसमें कलाबोरेशन नहीं होगी इसमें प्री प्लानिंग नहीं होगी तो दैट्स वाई क्लैप्टोमिया इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टीलिंग और थेफ्ट